अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जरी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे मटन सब्जी, देखिए बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए हम बताते हैं कि हम कैसे बनाएंगे इसको। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें हमारे पास ये सालिम ब्रान है, एक पूरी इसको सब हमने साफ़ कर लिया है। सारे इसके जो छीचड़े लगे हुए थे, जो चिकनाई थी एक्स्ट्रा, वो सब काट ली हमने। तकरीबन ये 2.5 से 3 किलो करीब की रान है ये पूरी माशाल्लाह से। देखें इसको जो हमें अब इसमें कट लगा दें, अपने हिसाब से कट लगा लें आप इसके अंदर। डीप लगाने हैं कट, पलट लेते हैं उसको, पलट के कट लगा देते हैं। इस तरीके से सारे इतने 2-2 इंच के कट लग रहे हैं इसके अंदर। ये हमारे पास जॉइंट है इसका, ये वाला ये जॉइंट है इसका। इसको हम इस जगह से कटेंगे। और करेंगे थोड़ा सा ताकि अच्छे तरीके से ये हमारे पतीले के अंदर आ जाए। हम ओवन में बनाते हैं, मगर हमसे कहा कि नहीं हम पतीले में सिखा दें इसको, तो हम पतीले में बना रहे हैं इसको। पूरी फोल्ड हो गई है इस तरीके से, पहले ये हुई थी, फिर हमने यहाँ से इसको कट करा तो ये फोल्ड हो गई है इस तरीके से। अच्छा ये जो है ये हमने काटा नहीं है, क्योंकि हम इसको जब पकाएंगे तो गल की गोश्त अलग अलग ना हो जाए, इससे जॉइंट रहेगा ये गोश्त। ठीक है, चलिए हम इसमें मसाला बताते हैं आपको क्या लगाएंगे। क्योंकि जो अदरक लहसुन था सारा हमारे पास 3 टेबल स्पून, वो सब हमने इस पर लगा दिया अच्छे तरीके से। सब लगा दें इस पर, 3 टेबल स्पून बताया था आपको घर के लिए हमने, अच्छे तरीके से लगाना है इसके अंदर। फिर उसे आते मुझे कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कट नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब पक जाएगा तो फिर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये सब्जी वाला लुक नहीं आएगा, पिघल जाएगा बिल्कुल। अच्छा इसमें अब हम डाल देते हैं हमारे पास मसाले, आपको बताए थे हमने ये 1 टेबल स्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून हमारे पास सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून जीरा है पिसा हुआ, 1 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर और 1 टीस्पून नमक है हमारे पास है। फिर डाल देंगे इसके अंदर, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, मगर इसमें मुझे टेस्ट नहीं होती है, इस वजह से हमने नहीं डाली है मिर्चें इसके अंदर, क्योंकि अभी हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और चाट का मसाला डालेंगे इसमें। चाट मसाले में मिर्ची होती है, चिली सॉस तो है ही, मिर्चों वाला तो इस तरीके से सब लगा लिए। इसमें हम डालते हैं, ये हमारे पास 1 पाव दही है, हमने फेंट लिया है ये दही, दही डालेंगे इसमें हम। देखिए इसमें हमने कचरी पाउडर लगा दिया है, तो आप चाहें तो इसको 6 से 8 घंटे बाद भी इसको पका सकते हैं, और इसको ओवरनाइट रख के पका सकते हैं। चीज़ें डाली है इसमें, सारी चीज़ें डाली है, कोई चीज़ कम नहीं करें इसके अंदर से, क्योंकि बहुत लजीज बनती है।
हम बाकी किसी से बताते हैं। आपको भी डालनी है इसके अंदर। देखें अब इसके अंदर हम डालते हैं ये वाला चमचा है हमारे पास, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें सोया सॉस एक साइड डालेंगे और 1 टेबल स्पून दूसरी साइड डालेंगे और यही हम करेंगे चिली सॉस के साथ। सेटा है हमारे पास, ये भी हमने 1 टेबल स्पून भर के इधर डाला है और हम लेते हैं चाट मसाला चटपटी सी मज़ेदार सी ये नान बनेगी। चाहिए हमारे पास 1 टीस्पून चाट मसाला इधर डाल दिया हमने। अच्छा अब हम इसको मिला देंगे अच्छे तरीके से, फिर दूसरी साइड पे भी यही मसाला दोबारा लगाएंगे। 2 टेबल स्पून जाना है तो हमने 1 टेबल स्पून इधर लगा दिया। यही मसाला हम यहीं पर रिपीट करेंगे दोबारा से। सिरका है 1 टेबल स्पून इसको डाल देंगे। चाट मसाला 1 टीस्पून भर के चलाएंगे। अच्छा इसके अंदर बहुत से लोग डालते हैं जर्दे का कलर, क्योंकि सब्जी में जर्दे का कलर मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अपना इतना प्यारा कलर आ जाएगा गोश्त का मज़ेदार सा, उसमें कलर की ज़रूरत ही नहीं है। अब इतने मसाले डाले हैं इतने मज़ेदार से, अच्छी खुशबू आ रही है इन मसालों की। हमारे पाकिस्तानी मसालों की बात ही क्या है, हमारे पाकिस्तानी खानों की बात क्या है, जो चीज़ भी मंगा रहे हैं टेस्टी खुशबूदार जायकेदार बनती है, लगन से पकाने वाले होने चाहिए। चलिए देखें इसमें हमने सारा मसाला लगा दिए अच्छे तरीके से, इसको डीप कर दिया बिल्कुल अंदर तक इसके मसाला चला गया। ये देखें सारा अंदर तक मसाला पहुँचा दिया इसमें, ये देखें सब अंदर तक उतार दिया ये मसाला। जहाँ रह गया वो जो मसाला है वो भी डाल दें इसके अंदर और जब भी देख लेते हैं कुछ रह ना गया हो, सब डाल दें इसके अंदर मसाले। अच्छा देखें हमने इसमें सारे मसाले लगा दिए, हमें इसके अंदर कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना इतना प्यारा कलर होगा। अब हम इसको रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद हम इसको जब बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे हम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए इसको रखते हैं फ्रिज में। देखें ये टर्रान हमने निकाल ली फ्रिज में से, इसको ओवरनाइट रख दिया था पूरा हमने, ओवरनाइट से भी ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि आधा दिन तो गुजर चुका है। अब हम इसको पकाने जा रहे हैं अच्छी तरीके से, इसके अंदर सारा मसाला चला गया है देखें बिल्कुल खूब अच्छी तरह टेंडर हो गई है ये। चलो इसको पतीले में लगाते हैं, खुले मुंह का पतीला है हमारे पास, ये हल्का गर्म है, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल इसलिए डालेंगे कि ये रान हम जब डालेंगे तो ये चिपक जाएगी इसके अंदर, इसलिए हम इसके अंदर 1 पलिया जो है ये ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, बस इतना ही जाएगा ऑयल। इसके अंदर ये रान रख देते हैं। देखें पूरी रान इसके अंदर, ये ब्लैक इसकी नहीं आई है। हम इसके अंदर सारा मसाला जो हमारे पास बचा हुआ है सब इसमें डाल देंगे। कुछ भी ज़ाया नहीं करना है, सब इसमें डाल देंगे। अच्छा हम पानी डालेंगे इसके अंदर, तो हम इसी तस्ते के अंदर पानी डाल के इसको डाल देंगे ताकि ये भी बेकार न जाए।
पानी डालते हैं इसके अंदर। पानी ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर अचकी पाउडर लगाया था। हम इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी लेंगे। अभी थोड़ा लिया हमने पानी, तेज कर दी है हमने चूल्हे की। ये देखें आप, अभी इसको अंदर नहीं जाएगी जब तक ये गल जाएगी थोड़ी सी, तो फिर खुद ही टर्न हो जाएगी अंदर ये। अभी तेज़ आंच करके इसको ढक के थोड़ी देर पकाते हैं। अभी कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, सब कुछ हम डाल चुके हैं। इसे कवर कर देते हैं और रख देते हैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए, फिर चेक करते हैं इसको आके। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो हम खोलते हैं इसको। चूल्हा कम कर देते हैं, हमारी दाल जो है थोड़ी सी ऊपर से लगनी शुरू हो गई है। तब से हमने इसको टर्न कर दिया था, अभी इधर से हम इसको टर्न कर देते हैं क्योंकि रान हमारी बड़ी है, थोड़ी तो परेशानी हो रही है इसको टर्न करने में। बस इसको आधा घंटा और लगेगा। देखिए इसको बता देते हैं आपको हम थोड़ी से, देखिए बिल्कुल कल गया है गोश्त, देखें इस तरीके से गिर रहा है गोश्त इसमें से, बिल्कुल कल गया अंदर तक कल गया है। अब इसमें हमने आलू लिए हुए हैं, ये हमने ये 1 पाव जितने आलू ले लिए, इसको इतना मोटा काट लिया है, ये देखें इतना मोटा ये आलू ले लिया। इसके अंदर अपन ये आलू डाल देंगे इस जगह, इसी में ये आलू गल जाएंगे क्योंकि इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आधे घंटे के लिए फिर छोड़ देते हैं एक साइड से, आधे घंटे बाद मिलते हैं आपसे। आज बिल्कुल हमारी स्लो है। देखें हमारी मटन सब्जी बनके तैयार हो गई है, हम आपको काट के दिखाते हैं इसको। बिल्कुल अलहदा हो रही है, बहुत मज़े की लग रही है देखने में भी, ये तरीके से सारी सब गल गई है अंदर से, ये देखिए सब गल गई। तो आप पीस देख रहे हैं, सब अलग अलग हो गए इसके पीस सारे, ये सब अलग हो गए इसके, ये
अच्छा, हमने आलू जो उबाल के रखे थे साथ इसके जो डाल दिए थे इसमें आलू, अभी आपको दिखा देते हैं डालना है इसके अंदर। ये हमारे पास आलू है जो हमने मसाले में से निकाल लिए, आलू डाल देंगे इसमें। ये हमारे पास प्याज, नींबू और टमाटर है, तो इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, सिर्फ इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। सिर्फ हम इसको प्रेजेंटेशन के लिए रख रहे हैं इस तरीके से। बाकी नींबू है हमारे पास, ये इसके लिए छोड़ देंगे नींबू। प्याज हमने थोड़ी सी डाली है, अब इसको हम जब सर्व करेंगे तो हम इसको पहले इसको लपेट देंगे इसके अंदर। इस तरीके से हम लपेट देंगे। देखिए हमारी मज़ेदार सी मटन सब्जी बनके तैयार हो गई, और ये हम पहले ही बना चुके हैं दो एक मरतबा, बहुत टेस्टी बनी थी, उसी स्टाइल से हमने दोबारा बनाई है। हम तो खा के एंजॉय करेंगे, आप भी खाएं इसको और बताएं कैसी बनी है। चले मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।